जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हरीश और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक ठाक से? दोस्तों आज बातचीत कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के लिए आज एसएससी जीडी का कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा भाई ने रिक्वेस्ट करा था डेली और मैं इतना दिन हो गया बना नहीं पाया था दोस्तों, इसलिए आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में बना रहा हूँ छत्तीसगढ़ का आपको फाइनल कट ऑफ कितना तक जा सकता है और आपका फिजिकल के लिए आपको कितना मार्क होना बहुत जरूरी है। लास्ट में बताऊंगा आपका फिजिकल मार्क। चलिए तो फिर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना, जो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा ना। और आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो और उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आज हम बताने वाले असम रेफरल टेक्निकल एंड असेसमेंट 2023 एग्जाम बैच बुक के बारे में, जो कि सैक्सो प्रकाशन की है। इस बुक से आप अपना करियर बेहतर कर सकता है और इस बुक में आपको 2100 प्लस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। असम रेफरल के आधार पर इस बुक को बनाया गया था और आप ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। आप इस बुक को ऑनलाइन परचेस करना है तो आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस बुक बहुत ही अच्छा बुक है और इस बुक से आप पढ़ाई करेगा आप सक्सेसफुल जरूर होगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ छत्तीसगढ़ से। दोस्तों और एक पहले बताते हैं, ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ के लिए मैं बना रहा हूँ एक्सपेक्टेड जो आपका मार्क इतना अंदर हो सकता है। और एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को पहले मैं बता दिया हूँ 19-20 हो सकता है, इसके अंदर होने से आपका चांस रहेगा। दोस्तों जनरल डिस्ट्रिक्ट का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मैं बात बोल रहा हूँ, 45 से लेकर 50 मार्क के अंदर आपका है तो आप निश्चित रहे आपका फाइनल सिलेक्ट हो सकता है, फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम रह सकता है। और जनरल डिस्ट्रिक्ट का एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करता है, 70 से लेकर 75 के अंदर आपका मार्क है तब आप भी हो सकता है सिलेक्ट। नक्सल डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों एससी कैटेगरी का 55 से लेकर 60 के अंदर आपका मार्क है तब आपको भी मौका मिल सकता है फाइनल सिलेक्ट इस बार ज्वाइन करने के लिए। और जनरल डिस्ट्रिक्ट का एसटी कैटेगरी 70 से लेके 75 के अंदर आपका मार्क है तब आपको भी फाइनल मिल सकता है दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए। नक्सल डिस्ट्रिक्ट का एसटी कैटेगरी से 65 से लेके 70 मार्क के अंदर आपका है मार्क तब आपको भी फाइनल सिलेक्ट मिलेगा। दोस्तों कैसे मिलेगा, फिजिकल और मेडिकल क्लियर करना पड़ेगा तभी आपको ये हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों जनरल डिस्ट्रिक्ट से ओबीसी कैटेगरी 85 से लेके 90 के अंदर आपका मार्क है तब आप भी हो सकता है फाइनल सिलेक्ट। उसका नक्सल डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट आप है तो 80 से लेकर 85 के अंदर आपका मार्क है तो आप भी हो सकते हैं सिलेक्ट, ये तो आप लोगों को बता दिया हूँ। और उसके बाद जनरल कैटेगरी आता है, यूआर आता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट से यूआर कैटेगरी के लिए दोस्तों 75 से लेकर 80 मार्क के अंदर आपका हो है तब आप भी फाइनल सिलेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या है, यूआर में थोड़ा सा कैटेगरी में जाएगा और ओबीसी में कट ऑफ थोड़ा सा जा सकता है। और उसके बाद आ जाता है नक्सल डिस्ट्रिक्ट से यूआर कैटेगरी के लिए 74 से लेकर 78 का मार्क के अंदर आपका है तब आपको भी मौका मिल सकता है एसएससी जीडी के ज्वाइन करने के लिए दोस्तों इसी साल। दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगा, जैसे आप रिटर्न में मेहनत किया था ऐसे फिजिकल के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। इसका बात आ जाता है दोस्तों फिजिकल के लिए आपको कितना मार्क्स है, क्योंकि ये तो आपको मैं बोल दिया फाइनल सिलेक्शन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोल दिया हो। उसके बाद अभी आ जाता है दोस्तों फिजिकल कट ऑफ आपका कितना रह सकता है, कितना से आपको बुलाएगा फिजिकल कट ऑफ, क्योंकि अभी देखिए जो मैं मार्क बता रहे हो सकता है ये डाउन भी हो सकता है, इसका ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, इसका हो सकता है डाउन भी हो सकता है, क्योंकि जिसका ज़्यादा मार्क है वो निकल जाएगा तो डाउन भी हो सकता है कट ऑफ। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, फिजिकल के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको फिजिकल जनरल डिस्ट्रिक्ट से जो ईडब्ल्यूएस है दोस्तों वो 43 प्लस उसका रहेगा तो आप फिजिकल के लिए रेडी हो जाइए दोस्तों, 42 प्लस है तो आप फिजिकल के लिए रेडी हो जाइए ईडब्ल्यूएस वाला। और जनरल डिस्ट्रिक्ट से एससी वाला जो कैटेगरी है, जनरल डिस्ट्रिक्ट से जो एससी कैटेगरी है वो 65 प्लस है वो फिजिकल के लिए रेडी हो जाइए। उसके बाद नक्सल डिस्ट्रिक्ट का जो है एससी कैटेगरी वाला वो 50 प्लस है तो फिजिकल के लिए रेडी हो जाइए। और जनरल डिस्ट्रिक्ट का जो है एसटी कैटेगरी आप भी 65 से ऊपर है तो आप भी रेडी हो जाइए। नक्सल डिस्ट्रिक्ट का एसटी कैटेगरी आप भी 60 प्लस है तो आप भी फिजिकल के लिए रेडी हो जाइए। और ओबीसी कैंडिडेट जो है जनरल डिस्ट्रिक्ट से ओबीसी के कैंडिडेट वो भी आप भी 75 से आप 80 मतलब आप प्लस है तो आप रेडी हो जाइए। नक्सल डिस्ट्रिक्ट का भी ओबीसी कैंडिडेट
75 से है तो आप रेडी हो जाए अभी। और जनरल डिस्ट्रिक्ट का यूअर कैटेगरी के लिए 70 प्लस है तो आप भी रेडी हो जाए दोस्तों। देखो देखो ये मैं एक्यूरेट नहीं बताया, मतलब इतना तक हो सकता है इससे डाउन से भी आपको बुला सकते हैं दोस्तों। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।